सर आप बोले मैं दारू पिया हूँ, लेकिन मेरा क्या मैं कर तो दोगे? मैं तो पीता हूँ, जिसको भी फोन कर रहा है मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं दारू पीता हूँ। अब तो आपको भगवान समझ के मरीज को ला रहे हैं कैसे? छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के धुर नक्सल प्रभावित अंतागढ़ में डॉक्टर की लापरवाही से एक बच्चे की मौत हो गई। ड्यूटी आवर में डॉक्टर नशे में धुत था। उसने गंभीर रूप से बीमार बच्चे को दवा पिलाकर उसे कांकेर रेफर कर दिया। मोर नाती के तबीयत खराब रही तो लगभग 7-8 बजे की बात है, नाती के पेट दर्द रहा, ऊपर पर मैं डॉक्टर मन करा पहुँचा हॉस्पिटल, तो डॉक्टर मन कुछ चेक थोड़ा चेक करी बस उतरे छाए, कुछ इलाज नहीं करी ना कुछ नहीं, और तुरंत रिफर लिख दे इस कांकेर के। ओकर बाद भानु भी नहीं पहुँच पाए हम रास्ता में, नाती के जान चले गई। इधर रास्ते में ही बच्चे की मौत हो गई। बता दें कि अंतागढ़ के कोयली बेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार की सुबह 9 साल का मयंक पटेल भर्ती हुआ था। उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द था जो बढ़ता जा रहा था। उसे कोयली बेड़ा हॉस्पिटल में डॉक्टर शीतल दुग्गा ने दवा देकर कांकेर रेफर कर दिया। मयंक को लेकर परिजन अंतागढ़ से आगे निकले ही थे कि उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। लेकिन ड्यूटी पर होने के बावजूद डॉक्टर नशे में चूर था। बेटी की मौत से व्यथित और लाचार परिजनों ने कहा कि डॉक्टर साहब हम आपको भगवान समझकर अपने बच्चे को यहाँ लाए थे, लेकिन आपने ठीक से इलाज नहीं किया। इस पर डॉक्टर ने कैमरे पर कहा कि मैं दारू पीता हूँ, ये सच है, आप लोग मुझे परेशान कर रहे हो। इतना होने के बाद भी डॉक्टर हॉस्पिटल से बाहर निकलकर फिर से नशे में परिजनों से भिड़ गया। डॉक्टर शीतल दुग्गा परिजनों से लगातार बदतमीजी करने लगे। आप ड्यूटी टाइम में इतना नशा कर रहे हो, गलत है। ड्यूटी करूँगी या कुछ भी करूँ तो उतना डॉक्टर लाते क्या? कितना डॉक्टर होता है एक पीएससी में? कितना ड्यूटी होता है? कितना हो वो हम लोग को नहीं पता सर। हाँ तो नहीं होता तो फिर फालतू क्यों यहाँ? नहीं सर, फिलहाल आप यहाँ कोलीबड़ा में आप अकेले आदमी हूँ यार, मैं क्या करूँ? जो भी डॉक्टर परिजनों पर रौब दिखाते हुए उन्हें धमकी देने लगा, साथ ही बोला कि जो करना है कर लो लेकिन यहाँ से चले जाओ। इधर इस घटना की जानकारी मिलते ही कांकेर सीएमएचओ अविनाश खरे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और डॉक्टर को जमकर फटकार लगाई, साथ ही पीड़ित परिजनों से दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। यहां पर कल कुछ पता चला था कि डॉक्टर ने कुछ लोगों के संग जो है मिसबिहेव किया है, तो उसके संबंध में जाँच के लिए मैं आया था। उस डॉक्टर को तत्कालिक प्रभाव से यहाँ से हटाया जा रहा है और यहाँ एक दूसरे डॉक्टर की व्यवस्था की जा रही है, और बाकी स्टाफ तो लगभग काफी हद तक सफिशियंट है। थोड़ी थोड़ी जो आवश्यकता है उनको हम बिल्कुल निकट भविष्य में एक आध महीने के अंदर पूर्ण कर देंगे। बता दें कि रविवार 28 जुलाई को कांकेर सांसद भोजराज नाग कोयली बेड़ा के दौरे पर थे। इसी दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी वे पहुंचे थे और यहां ग्रामीणों से चर्चा भी की थी। इस दौरान ग्रामीणों ने भी नशेड़ी डॉक्टर शीतल दुग्गा के खिलाफ शिकायत की थी। सांसद ने ग्रामीणों के सामने ही डॉक्टर को फटकार भी लगाई थी। इधर फटकार खाए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और नशे की हालत में डॉक्टर ने बच्चे का इलाज किया और उसे कांकेर रेफर कर दिया, जिसके बाद रास्ते में उसकी मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनपीजी न्यूज़।